से कर्नाटक में लोटस ऑपरेशन अभी फिलहाल शुरू है। जहां तक का सवाल आता है कि कर्नाटक के असेंबली चुनाव में मैंडेट प्राप्त हुआ था भारतीय जनता पार्टी को और सरकार बनी थी कुमार स्वामी की कांग्रेस की सपोर्ट में, लेकिन वो ऐसी अभद्र युति और नेचुरल जस्टिस नहीं हुआ था, इसके कारण उनके अंदर बेमनाव और ये लोटस ऑपरेशन करके आने वाले दो तीन दिनों में निश्चित तौर पे जिस तरीके से वहां के कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि मेरे पास बहुमत है करके उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा, इसका मतलब ऐसा है कि उनके पास बहुमत नहीं है। आने वाले दो चार दिनों में निश्चित तौर पे इसका फैसला हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। लेकिन जिस तरह से एमएलए को छुपाया जा रहा है, यहाँ वहाँ लेके जा रहा है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स एक बार फिर से शुरू है। कि डेमोक्रेसी में किसको कोई छुपाया नहीं जाता, छुपाया जाता था उसी टाइम छुपाया जाता, लेकिन उनका मन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना उनका तय है और जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी कर्नाटक का विकास करके उनको भी मैंडेट मिला है कि, लेकिन फीस तान करके कांग्रेस वालों ने और कुमार स्वामी ने अपना गवर्नमेंट बनाया था, लेकिन वो गवर्नमेंट अभी 6-7 महीने के अंदर वो गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का ही स्टेबल गवर्नमेंट कर्नाटक के अंदर आएगा। लेकिन जो मुंबई में एमएलए आए हैं, उनसे क्या उनका ये कहना खुद आए हुए या उनको लाया गया? ऐसा है कि ये डेमोक्रेसी में लाया गया है, खुद लाया गया, ऐसा कोई बात नहीं कह सकते। उनका कोई कंप्लेंट है क्या? कोई कंप्लेंट नहीं है, वो खुद आकर आए हैं तो आए हैं, गवर्नमेंट चेंज होने वाला है तो होना है वाला। सर कहीं ना कहीं सीएम भी बात कर रहे हैं, उनसे मध्यस्थता हो रही है, मुझे पता नहीं। या भारतीय जनता पार्टी से कोई संपर्क में उनके जो मुंबई में? मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी का जल्दी बनेगा। इस आरक्षण को लेकर एक बात जानना चाहेंगे सिंधु साहब, क्या इतना बड़ा 700 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जा रहा है, क्या चुनाव के मद्देनजर निर्णय लिया जा रहा है? क्योंकि हाल फिलहाल में देखा मराठा समाज को आरक्षण दिया गया, सवर्णों को आरक्षण आता है, उसके बाद में कहीं ना कहीं ओबीसी समाज में एक जो थोड़ी इनसिक्योरिटी की भावना थी।